हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अब हम सॉलिड स्टेट में नया टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने देखा कि यूनिट सेल, और लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें सब टाइप ऑफ यूनिट सेल हो गया था। टाइप ऑफ यूनिट सेल में आपने पढ़ा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, फिर आपने पढ़ा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर आपने पढ़ा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो अब यही तीनों के यहाँ पे के बारे में एक अलग एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है। तो पॉइंट हमारा है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है ये, इसमें यूनिट सेल सब आपको याद रखना है। कल मैंने आपको बोला भी था कि अपना ये यूनिट सेल जो है वो यूनिट सेल आप छोटा बड़ा, ठीक है, आपको जिस हिसाब से ठीक लगे वैसा आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, मतलब हर एक यूनिट सेल में कितने हमारे पास एटम मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने एक पेड़ा लिया हुआ है खाने के लिए, तो आप अकेले भी खा सकते हो, तो वन पर्सन हो सकता है तो कोई एक खा सकता है। पर अगर हम ये बात कर रहे हैं यूनिट सेल में, तो यूनिट सेल में मान लो कि हमारे हमारा जो होम है, हमारा मकान जो है, उसमें बच्चों हमारी और हमारे बाजू वाले की जो दीवार जो होती है वो दोनों में डिवाइड होती है, दोनों में डिवाइड होती है। तो उसी तरह यहाँ पर यूनिट सेल में आए हुए एटम, ठीक है, वो यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, और किस तरह है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब आपको पता होगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, बच्चों बोलो। प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब द एटम इज प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, दैट इज नोन प्रिमिटिव सेल, और द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, ठीक है। अब फिर से आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, ड्रॉ करते जाएंगे साथ में इसको समझते भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको जैसा ठीक लगे उस तरह से आप एक सेल बना दीजिए, चलो। अब इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में है क्या, तो हम आगे पढ़ चुके हैं कि यूनिट सेल में ईच एटम्स और द पार्टिकल आर ओनली एट इट्स कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन ओनली एट द कॉर्नर, मतलब मीनिंग ये निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। द एटम्स आर प्रेजेंट और एटम्स आर प्रेजेंट
only at its corner. ठीक है, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट इट्स कॉर्नर. अब ये एटम में मान लो कि आप यहाँ पे कोई एक सेल काउंट कर रहे हो, यहाँ आगे कोई एक सेल काउंट कर रहे हो, यहाँ ऊपर एक सेल काउंट कर रहे हो, तो ये एटम किस जगह से कितनी बार और किस यूनिट सेल से कितनी बार यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये प्रिमिटिव सेल यहाँ पे बनेगा. ठीक है, जैसे कि हमने कोई एक बीम बना हुआ है मकान के अंदर, तो वो बीम जो होता है वो मकान को किस किस दीवार से जोड़ता है. आप घर के मेन बीम के वहाँ पे खड़े रह के सोचना ये थिंक कि मान लो कि घर का ये बीम खड़ा हुआ है, तो बीम में से आप ऊपर देखना, ऊपर की ओर कॉर्नर में देखना कि ये अंदर की दीवार की ओर जुड़ा हुआ है, बाहर की दीवार की ओर जुड़ा है, बाजू वाले की दीवार की ओर जुड़ा हुआ है. ठीक है, नीचे 4 बार और ऊपर 4 बार ऐसे जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कॉर्नर में कितने होंगे, तो 8 एटम्स. ठीक है, 8 एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कॉर्नर. ठीक है, 8 कॉर्नर एटम. विच इज डिवाइडेड एज 1/8 एटम पर यूनिट सेल. एटम पर यूनिट सेल. ठीक है, 8 क्रॉस 8. सो 8 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 1. ठीक है, 8 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर लेना है. तो ओनली 1 एटम इज प्रेजेंट इन प्रिमिटिव सेल. मतलब यहाँ का एक छोटा पार्ट, 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 और यहाँ का छोटा पार्ट, अंदर का एक छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, सब छोटे छोटे पार्ट को आप 1/8, 8 मतलब पता चल गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, और उसके बाद ये कॉर्नर, तो ये 1/8, तो ये 1 हो गया. ठीक है, चलो ठीक है, कोई भी आपको इसके बारे में क्वेरी हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं. ठीक है, चलो सेकंड नंबर, द सेकंड वन इज द बॉडी. चलो आपने मेरा पिछला लेक्चर जो था, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें देखा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब. ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और क्यूब. ठीक है, यूनिट सेल दैट इज नोन अ BCC. तो ये हो गया हमारे पास BCC. क्या है हमारे पास BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब. ठीक है, तो अब बॉडी सेंटर्ड क्यूब, चलो बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होगा, आप आपको पता है कि हमारे पास पार्टिकल्स है, एटम्स है, विच इज़ आप बेज इन कॉर्नर, कॉर्नर में तो है, 8 कॉर्नर्स में तो है, बट ऑल्सो अ 1 एटम. वन एटम इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर. ठीक है, डेफिनेशन फिर से मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, वो आपको समझ लेना है कि किस तरह से इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है. मान लो कि ये क्यूब बना दिया, फिर से ये क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको क्यूब यहाँ पे अटैच कर देना है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन से आपने अटैच करके दिया हुआ है. ठीक है, द 8 एटम्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर. चलो डेफिनेशन स्टार्ट करना हो साथ में बोलना, 8 एटम्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर एंड ऑल्सो 1 एटम, also a 1 atom which is present in center of body. ठीक है, body के centered में है.
तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, 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 ये इसके साथ जुड़ा और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप इसको सोच सकते हैं कि भाई ये बॉडी का सेंटर का जो एटम है वो तो फिक्स ही है, उसको कुछ चेंज करना नहीं, मतलब पूरा एटम है। देखो ये क्या हो जाएगा, पूरा एटम आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से इसकी डेफिनेशन हो गई, तो एटम आर ईच ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है, पहले हो गया ईच ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर वाले हो गए। अब क्या है, एटम्स इज सेंटर ऑफ बॉडी, वन एटम इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ बॉडी, डेफिनेशन हो गई। चलो मित्रों अब दो, अब यहाँ पे देखना है कि टॉपिक है एट कॉर्नर, ठीक है, एटम 1/8, ठीक है, पर कॉर्नर इज इक्वल टू ओनली वन एटम हो जाएगा, एट एट निकल जाएंगे तो वन एटम मिल गया। फिर ये वन एटम इन सेंटर ऑफ बॉडी, सो इज इक्वल टू वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू एटम, सो इन बी सी सी, सो इन बी सी सी बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, इन बी सी सी नंबर ऑफ एटम इज, इन बी सी सी नंबर ऑफ एटम इज टू, ठीक है। तो बी सी सी में कितने हमारे पास एटम मिल रहे हैं, दो एटम हमारे पास मिल रहे हैं। तो ये हो गया बी सी सी बॉडी सेंटर्ड क्यूब, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि बी सी सी बॉडी सेंटर में ठीक है दोस्तों, ये हो गया बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो दो, ठीक है। फिर से यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, सिर्फ यहाँ पे वन, ठीक है, कितना होगा वन एटम, यहाँ पे कितने हो गए दो एटम। अब कौन सा क्यूब बाकी रहा, आप बोलो सब, ठीक है। तो फेस सेंटर क्या हो गया, फेस सेंटर, द टॉपिक नंबर 3 इज द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। चलो इसका क्या होगा, FCC, FCC माने फेस सेंटर, BCC माने बॉडी सेंटर क्यूब, ये हो गया फेस सेंटर। चलो फेस किसको बोलेंगे वो हमने पहले आगे पढ़ लिया है कि फेस किसको बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे टॉपिक देखते हैं। चलो मान लो कि फिर से एक छोटा सा क्यूब ड्रॉ करना है। चलो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, साथ में बोलते जाओ। अब आपको पता चल गया है कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इन दिस फेस सेंटर्ड क्यूब एट एटम्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर। चलो ये कॉर्नर के एट एटम्स आ गए, एट एटम्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर, चलो ये कॉर्नर बन गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया एट एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कॉर्नर, ठीक है। अभी इसका फेस कहाँ पे है, तो ये बन गया इसका फेस, ये इसका बन गया फेस, ठीक है। टोटल फेस कितने हैं यहाँ पे, काउंट कर सकते हैं, आपने काउंट करके देखा था टोटल फेस कितने हैं यहाँ पे, सिक्स फेस है। जैसे कि हमारे हम
जो भी मकान में रह रहे हैं, आप जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जिस मकान में बैठ के, जिस रूम में, आप पर्सनल रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए कि आमने सामने की एक दीवार होगी, एक ऊपर और नीचे की होगी, ठीक है, और एक आजू बाजू की दीवार, ठीक है, जैसे कि ये, तो उसके सामने ये हमारे पास दूसरी एक दीवार है, मौजूद है, तो ये दीवार हो गई, जैसे कि ये ऊपर वाली दीवार हो गई, ठीक है, छत है हमारे पास, और ये हमारे पास फ्लोरिंग है, ठीक है, तो ये सामने वाली दीवार, ठीक है, तो अपोजिट दीवार, तो टोटल कितने फेस हैं यहाँ पे, एक फेस, उसके सामने दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, और ये पांचवा, और सामने वाला जो आएगा वो छठा, सिक्स फेस, ठीक है, तो टोटल सिक्स फेस, टोटल सिक्स फेस, फेस, ठीक है। चलो अब फिर से हम ये बात कर रहे हैं कि मान लो कि फेस सेंटर्ड है, तो इसकी डेफिनेशन, द एट एटम्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर ऑफ द सेल एंड द एटम इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फेस, द एटम इज प्रेजेंट सेंटर ऑफ फेस, ठीक है, द एटम इज प्रेजेंट सेंटर ऑफ फेस एंड ऑल्सो एटम इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फेस, ठीक है, तो सेंटर ऑफ फेस हो गया। चलो अब इसी ड्राइंग को मान लो कि हम ये थोड़ा आगे बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ड्राइंग में आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मान लो कि एक बड़ा सा एक मैं क्यूब धो रहा हूँ, जिसमें जिसमें क्या करता हूँ, मैं दो एक क्यूब मैं यहाँ पे अरेंज करूँगा, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। चलो आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक बड़ा सा क्यूब बना के क्या कर दिया, तो बड़ा सा क्यूब बनाया मतलब एट कॉर्नर हो गए, वो सही हो गया, ठीक है, एट कॉर्नर हो गए वो सही हो गया। चलो तो इसका फेज हो गया, क्या हो गया, फेज। अब इसी में ही मैं एक दूसरा यूनिट सेल जनरेट कर रहा हूँ मैं, तो ये मिल गया मेरा दूसरा यूनिट सेल। चलो अब आप बताएं कि कितने यूनिट सेल मैंने जोड़ के रखे हुए, ये एक यूनिट सेल हो गया और ये दूसरा यूनिट सेल हो गया, तो इसका सेंटर ये हो गया, सेंटर ऑफ यूनिट सेल, सेंटर ऑफ यूनिट सेल, तो काफ़ी ऐसे यूनिट सेल जुड़े होंगे, और सेंटर में जो फेस के सेंटर में जो यूनिट सेल होगा, फेस के सेंटर में जो यूनिट सेल होगा वो कितने में डिवाइड होगा, इसलिए मैंने ये किया हुआ है, ये इस तरफ भी डिवाइड हुआ होगा और ये इस फेज में भी डिवाइड होगा, मतलब हमारे मकान की जो वॉल है तो वो हमारे साइड भी दिखेगी और बाजू वाले के साइड में भी दिखेगी, मतलब डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा। चलो तो इसका कैलकुलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम, तो पहले, ठीक है, एट कॉर्नर इंटू 1/8, ठीक है, पर कॉर्नर, तो ये एट कॉर्नर, ठीक है, 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम, इज इक्वल टू 1 एटम। चलो दूसरा पॉइंट, फेस कितने हैं, 1 2 3 4, हमने और सामने सिक्स फेस, सिक्स फेस सेंटर एटम, अब वो कितने में डिवाइड है, तो वो एक पर और दूसरी साइड, दो साइड डिवाइड है, तो 1/2, ठीक है,
इट गिव्स ये 6 और ये 1/2 ये निकल जाएगा कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 एटम्स तो टोटल हमारे पास हो गया 4 एटम 4 एटम तो इन फेस सेंटर्ड एटम और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल यूनिट सेल हैज 4 एटम ओके ठीक है यहाँ तक यहाँ आज के लिए इतना ही सिर्फ आप ये सेल और उसके यहाँ पे एटम इन यूनिट सेल थोड़ा ध्यान से कीजिएगा ये आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट है ठीक है ओके थैंक यू दोस्त और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना।